आने वाले 9 तारीख और 10 तारीख को कलबुर्गी के SM पंडित रंग मंदिर में टिप्पू निज कनसगळु नाम का एक मैसूर रंगायण प्रस्तुत करने वाला एक नाटक प्रदर्शित होने वाला है। इसमें टिप्पू के सच्ची कहानी, टिप्पू एक फ्रीडम फाइटर था, टिप्पू एक सर्वधर्म सहिष्णु था, ऐसा एक चरित्र में जो बताया गया है ये सब झूठ है, ऐसा प्रस्तुत करने वाला ये नाटक है। मैं कलबुर्गी शहर के आम नागरिकों से और जो रंगमंच के आसक्त रहने वाले हैं उन लोगों का अपील करता हूँ कि इस नाटक को देखें और टिप्पू के जो असली चेहरा है उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए ये नाटक देखना ज़रूरी है। सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि ये नाटक को देखकर यशस्वी करें। सर, क्या बेस पे ये है, ये कहना चाहेंगे सर कि टिप्पू फ्रीडम फाइटर नहीं था, किस बेस पर ये नाटक है? जैसे आप लोगों को पता है 1947 15 अगस्त से पहले हमारे भारत में 580 से ज़्यादा राज रजवाड़े थे। ऐसे ही एक प्रदेश का राजा था, वो राज को, उस राज्य को बचाने के लिए, वो 17वीं सदी का राजा था। उस समय फ्रीडम स्ट्रगल ऐसा अभी शुरू नहीं हुआ था। 1857 में पहला जो स्वतंत्र संग्राम हुआ जिसे आप लोग सिपाही दंगा कहते हैं ना, उसके बाद स्वतंत्रता का एक आंदोलन शुरू हुआ। इससे पहले जो भी था अपने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे थे और वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा। उस समय डच भी थे, फ्रेंच भी थे, मगर फ्रेंच टिप्पू के दोस्त थे, इसलिए कोर्ट ने भी माना है वो सिर्फ एक अपना सत्ता को, एक राजवाड़े को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा। उस समय के सभी राजा, सिर्फ टिप्पू नहीं, सभी लोग। उसके बाद जब बहादुर शाह जफर मुगल के आखिरी सम्राट जो था, उसके नेतृत्व में जो पूरे देश में एक ही समय पर लड़ा, वहाँ पर झांसी की रानी लड़ा, तात्या टोपे, ऐसे हजारों राजा नवाब सभी लोग मिलके जो स्वतंत्रता का लड़ाई हुआ। ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪು ನಿಜ ಕನಸುಗಳು ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ February 9 and 10 ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಅದು ಮೊದಲ ದಿನ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆ ಶೋ ಇರ್ತದೆ। ಎರಡನೇ ಶೋ ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಆ ಶೋ ಇದೆ। ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬನ್ನಿ। ಇದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ।